हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्रेड बोंडा की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बहुत से लोग इसको ब्रेड बॉल भी बोलते हैं और बहुत से लोग इसको ब्रेड रोल भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो आप इनको ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स में बना सकते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये ब्रेड बोंडा। इनकी रेसिपी हम देख लेते हैं। तो ब्रेड बोंडा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन रख दिया गैस पर और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को चेक कर लिया, गर्म हो गया है तो इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल दी है। इसको हल्का सा बस ऐसे चला देंगे। मैंने अदरक ली है 1 छोटी चम्मच, अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था, ये भी डाल देंगे। इसको भी हल्का सा हम चला देंगे। 2 हरी मिर्च ली हैं, हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था, हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिया है, मीडियम साइज का प्याज है, प्याज भी डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही हम इसको भून लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च पाउडर और भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच खटाई पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे बस हल्का सा ही इन मसालों को हम भून लेंगे। मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के। पहले मैंने इनको कुकर में उबाल लिया था, फिर इनके छिलके हटा दिए थे, उसके बाद हाथों से मैंने इन्हें मैश कर लिया था आलूओं को। तो अब ये आलू डाल देंगे हम पैन में और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको भी हम दबा करके फोड़ लेंगे और इन आलूओं को अब हम इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और आलूओं को हम भून लेंगे अच्छे से। मीडियम फ्लेम कर देंगे गैस का और बीच बीच में चलाते हुए हम भून लेंगे आलूओं को। अब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता लिया है, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता है, इसको भी हम डाल के मिला देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम 1 मिनट तक इनको और भूनेंगे। उसके बाद बस हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आलू हमारे भून चुके हैं तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 1 प्लेट में हम निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको पूरी तरीके से हम ठंडा कर लेंगे। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो हाथों में थोड़ा सा आलू लेंगे और दबाते हुए एक बॉल तैयार कर लेंगे। मीडियम साइज की हम एक बॉल बना लेंगे इस तरीके से देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी के जो आलू हैं इनकी भी बॉल्स तैयार कर लेंगे। और दूसरी साइड हम ऑयल भी रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। जितने भी आपको ब्रेड बॉल्स बनाने हो उतने ही आप ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं और जो ब्रेड है उनके स्लाइसेस के जो साइड होते हैं, जो किनारे होते हैं ब्राउन कलर के, उनको हम हटा देंगे चाकू की मदद से। इस तरीके से किनारों को हम हटा देंगे। इस तरीके देख सकते हैं आप, मैंने पूरे किनारों को हटा दिया है जो ब्रेड के ब्राउन कलर की होती है साइडेड। और मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लिया है तो इसमें हल्का सा ब्रेड को हम डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हम छोड़ेंगे नहीं, बस डिप करेंगे पानी में और तुरंत निकाल लेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम हथेलियों से दबा करके निचोड़ देंगे। और जो एक आलू की बॉल है ये बॉल रख देंगे और बॉल को हम ब्रेड से बंद कर देंगे पूरी तरीके से और हम हाथों से फिर भी दबाते रहेंगे। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो पूरी तरीके से इससे हम हटा देंगे बॉल से। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसकी बॉल बना लेंगे। पानी हटा दिया पहले, फिर एक जो आलू की बॉल थी वो रख दी और ब्रेड से पूरी तरीके से आलू बॉल को बंद कर दिया और फिर से दबा दिया जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरी तरीके से हट जाए। तो ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम
ये जो ब्रेड बोंडा है ये डाल के फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे इनको। बस इनका कलर चेंज हो गया, ये ब्राउन हो चुके हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो ब्रेड बोंडा हमारे बन चुके हैं और जो बाकी के हमारे बचे हुए ब्रेड बोंडा हैं इनको भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।